नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज आपके मुद्दे में बात पानी की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ पेयजल की समस्या बनी हुई है। कुछ इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है तो कुछ इलाकों के लोग दूर दूर से पानी भरने को मजबूर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में पेयजल संकट के साथ सूख रहे जल स्रोतों ने भी मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि सरकार जल स्रोतों को दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं भी बना रही है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि एमपी में इस जल संकट के लिए जिम्मेदार कौन है और यह जल संकट की समस्या कब दूर होगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में बेतहाशा पड़ रही गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी ने जल संकट की स्थिति पैदा कर दी है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी समेत कई जिले भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। नदियों और तालाबों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। आलम यह है कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए हर दिन घंटों का जतन करना पड़ रहा है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए चिलचिलाती धूप में मीलों का सफर तय कर रहे हैं, तब जाकर पीने का पानी मिल रहा है। ऐसे में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए और राहत देने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ये कौन सी जगह है? न्यू शबरी नगर। न्यू शबरी नगर में आओ, यहाँ पे देखो पानी की अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ। यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े उनको देख, न्यू शबरी नगर। और अभी मैं आधा घंटा में लौट रहा हूँ, तो फिर मैं आके पूछूंगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां करीब 20% आबादी जल संकट से जूझ रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पाइपलाइन बदलने की वजह से 3 से 4 दिन दिक्कत हुई है, लेकिन अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है। तो ये निर्देश सरकार की तरफ से नगरपालिका के अधिकारियों को थे, नगर निगम के अधिकारियों को थे कि पर्याप्त पानी टैंकरों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध, जब तक लाइन बदलने में समय लगता है, उपलब्ध कराया जाए। परंतु कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, मैं इसके लिए लोगों से क्षमा चाहता हूं। पर अब भोपाल में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। बहरहाल झुलसा देने वाली गर्मी ने मध्य प्रदेश की जनता को पानी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। कई जिलों में पानी की राशनिंग शुरू कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल जल संकट जैसी स्थिति क्यों बनी रहती है और इस पर कोई ठोस एक्शन प्लान क्यों नहीं बन रहा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधींद्र मोहन शर्मा जी हैं, पेयजल विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधींद्र जी, चलिए भोपाल में तो हम समझ लेते हैं कि पाइपलाइन का काम हुआ, उसमें देरी हो गई और संकट गहरा गया, लेकिन तस्वीरें, खासकर न्यूज स्टेट, जब से गर्मी शुरू हुई है तब से हम बाकायदा इस पर कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई ऐसा जिला बचा हो मध्य प्रदेश में जहां पर संकट ना हो पानी का, शायद ही कोई बचा हुआ होगा। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में फिलहाल इतनी खतरनाक क्यों दिख रही है कि लोगों को या तो गंदा पानी पीकर काम चलाना पड़ रहा है कई जगहों पर, सारी जगह की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कई जगहों की इस तरह की तस्वीरें। दूसरा, जो हमारे जल स्रोत हैं उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जी, ये असल में आप देखेंगे तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितनी प्रतीत होती है, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी के व्यवस्थापन की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत के औसत में ये देखा गया है कि पीने के पानी के जो जल स्रोत हैं वो भूजल पे निर्भर है। हमारे यहाँ 85% मध्य प्रदेश में भी 85% भूजल पेयजल के स्रोत भूजल पे निर्भर है। मतलब जमीन में से पानी निकाला जाता है और पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में भूजल का दोहन मात्र 58% है। मतलब जितना हमारे यहाँ नेचुरल रिचार्ज होता है हर साल, पूरे मध्य प्रदेश का अगर असेसमेंट देखें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, तो 58% भूजल ही हम निकालते हैं, बाकी 42% भूजल हम निकाल भी नहीं पाते हैं पूरे साल के साइकिल में।
तो ऐसे में क्या हो जाता है कि गर्मियों में हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है, तो हो ये जाता है कि हमारे जो स्रोत है वो हो गए हैं पुराने। सरकारों को लाइफ साइकिल अप्रोच पे काम करना है। लाइफ साइकिल, हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, चाहे वो एक हैंडपंप क्यों ना हो, छोटा सा वो भी एक प्रोजेक्ट है एक तरह का, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल को समझना होगा और उसके लगातार संधारण, उसके रिस्टोरेशन, उसके मेंटेनेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम ये समझ लेते हैं कि किसी गांव मजरे टोले में हमने अगर 20 हैंडपंप लगा दिए तो हमने ये मान लिया कि वहाँ के पानी की समस्या हल हो गई, लेकिन वो हैंडपंप खराब भी होते हैं। उन हैंडपंपों में इंडिविजुअल लेवल पे जल स्तर नीचे भी जाता है, और चूंकि सारा जो गांव है या पश्चिमी मध्य प्रदेश, खास तौर पे मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा हार्ड रॉक पे बसा हुआ है, कठोर चट्टानों पे बसा हुआ है, तो एक हैंडपंप का अपना खुद का एक एरिया ऑफ कैचमेंट होता है। ग्राउंड वाटर में भी वो कंपार्टमेंट होता है, उसमें जितना पानी है उसमें निकाल लिया जाता है। अब जो हैंडपंप है उसके आसपास बसाहटें आ जाती हैं, तो हैंडपंप का खुद का रिचार्ज तो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल रिचार्ज उसका कम हो गया है, आप उसमें से पानी निकाल रहे हैं, तो एक दो साल, चार साल या पांच साल बाद उसका अपना भूजल भंडार खत्म होने लगता है और वो बारिश के पानी से रिचार्ज नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ा आश्चर्यजनक बात यह भी है कि किसी गांव में जिसमें हैंडपंप में पानी खत्म हो गया है, उसी गांव में बगल के खेतों में वहां से आधा किलोमीटर दूर या एक किलोमीटर दूर खेतों में पानी है, और वहां से बैलगाड़ी के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा परिवहन के लिए पानी लाया जाता है। कई बार आपके संवाददाता और कैमरामैन ये रिपोर्ट करते हैं कि बैलगाड़ी पे ड्रम बांध के या ट्रैक्टर में ड्रम बांध के सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पानी तो है जमीन में, लेकिन उसको हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हम व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और इसी में सर ऐसी भी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जहाँ पर कहीं पानी को छान कर लोग ले जा रहे हैं घर पर, एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है उसी से काम चल रहा है, कहीं छोटी सी झीरी है उससे पानी आ रहा है, उन स्थानों को खासकर अगर टारगेट करें तो वहां कैसे पानी पहुंचेगा? एग्जैक्टली उन स्थानों को टारगेट करना पड़ेगा, और आपको ये मानना पड़ेगा कि ग्रामीणों को एक निश्चित दूरी से ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम की गाइडलाइंस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पानी लाने के लिए जाना और वापस आने में आधा घंटा 30 मिनट बहुत होता है, 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर हम इंदौर में ही या भोपाल में वॉक करके देखें तो 30 मिनट जाने आने का समय करीब करीब 2 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन इतनी दूर से भी पानी अगर मिल जाए तो लाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि राज्य शासन को, पीएचई को, केंद्र सरकार को भी साइट टू साइट बेसिस पे साइट स्पेसिफिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी और साइट स्पेसिफिक हमारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। जिस गड्ढे में पानी मिल रहा है उस गड्ढे में कहीं ना कहीं वो सबसरफेस सोर्स है पानी का, ग्राउंड वाटर नहीं है, वो सबसरफेस है, मतलब सरफेस के नीचे सॉइल के अंदर बहता हुआ पानी है, जिसको गाँव वालों ने अपनी मेहनत से झीरी खोद के और पानी निकालना शुरू कर दिया। वो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि उस जगह पर उसके आसपास के हम और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं क्या, उस स्रोत को हम ठीक करके सुरक्षित बना सकते हैं, या जिस गांव के जिस स्रोत से पानी लाया जा रहा है, जो खेतों में ट्यूबवेल है, क्या हम वहां पर जाकर भूजल अन्वेषण करके कोई नया स्रोत सरकारी विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जमीनी स्तर पर योजनाएं बनानी होंगी, और वो योजनाएं सिर्फ साल दर साल बनाने से काम नहीं चलेगा कि हमने अप्रैल में सूखा पड़ने वाला तो हमने मार्च में योजनाएं बनाना शुरू किया। आप देखिए भारत में, और मेहमानों के पास जाऊं, एक चीज और जानना चाहता हूं, ये जो मेंटेनेंस का काम अब भीषण गर्मी में शुरू हुआ, खासकर भोपाल का ही अगर हम उदाहरण ले लें, ये कब, कौन सा टाइम उपयुक्त था इसके लिए मेंटेनेंस का काम करने के लिए? बीजेपी कांग्रेस के भी मेहमान जुड़ गए, आप दोनों का भी स्वागत है, लेकिन सुधींद्र जी इस पर जरा स्पष्टीकरण दीजिए, कौन सा समय बेहतर होता है मेंटेनेंस का काम करना? मेंटेनेंस का काम हमेशा चलते रहना चाहिए। दो तरह का मेंटेनेंस हो सकता है, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक होता है साइट टू साइट मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो होता है कि आपकी पाइपलाइन खराब हो ही ना पाए, उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है कि पाइपलाइन के ऊपर कुशन ठीक ठाक बना रहे, पाइपलाइन में वो पंक्चर होने की गुंजाइश ना बने, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। आपके पाइपलाइन में प्रेशर ठीक ठाक बना रहे, आपके वॉल्स ठीक ठाक बने रहे, उसके गास्केट्स, उसके कनेक्टिंग जो जॉइंट्स हैं वो ठीक ठाक बने रहे, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जो साल भर चलते रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही कुछ मेंटेनेंस ऐसा है जो कि आपको ऑन साइट उसी समय देखना होता है जब उसमें पाइपलाइन में क्रैक आ गए या पाइपलाइन में कोई खराबी आ गई, तो आपको उसी समय तुरंत उसका निर्धारण करना चाहिए। हाँ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिल्कुल निश्चित है कि फरवरी में खत्म हो जाना चाहिए, फरवरी तक ये मेंटेनेंस पूरा हो जाना चाहिए। राम दामोदर जी जिम्मेदार कौन है, त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए प्रदेश की जनता? देखिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अगर पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखा जाए सर, भूपेंद्र सिंह खुद मान रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्थिति नहीं है ऐसी?
मैं बता रहा हूँ, आप मुझे सुनेंगे। पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखा जाए तो टॉप 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां पे पानी की किल्लत है, जिसमें हिंदुस्तान का चेन्नई टॉप पर है, कलकत्ता टॉप पर है, मुंबई है, चौथे नंबर पर दिल्ली है, और फिर दूसरे देशों के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मध्य प्रदेश में वैसी सिचुएशंस नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ था वो स्थितियां देखने के लिए हुआ था। ऐसे भाई साहब अभी कह रहे थे हेडपंप में कहीं पानी है और थोड़ी दूरी पर दूसरी जगह पानी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हेडपंप में जो पाइप बिछाए जाते हैं अंदर, जो रॉड डाली जाती है पानी की, वो 16 या 20 पाइप डाले जाते हैं। ज्यादा पाइप इसलिए नहीं डाले जाते ताकि हाथों के ऊपर प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा वेटेज होगा तो पानी ऊपर तक नहीं आ पाएगा, या महिलाएं उसको खींच नहीं पाएंगी, या जो भी व्यक्ति पानी भरता है उसको खींच नहीं पाएगा। सच्चाई ये है कि लगातार जमीन का भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है। हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। इसके लिए हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो। मैं राम तांगुरी जी आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ जो पेयजल विशेषज्ञ बैठे हैं सुधींद्र जी, उन्होंने शुरू में ये कहा कि जो हमारा दोहन होना चाहिए मध्य प्रदेश का, उसका केवल 58% हम कर रहे हैं। भूजल की समस्या उन्होंने कहा कि नहीं है मध्य प्रदेश में, समस्या मेंटेनेंस की है, समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। एक हैंडपंप अगर 10 साल पहले लग गया तो लग गया, फिर उसको कोई देखने वाला नहीं है कि उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई जगह पर टंकियां बना दी गई गाँव में, लेकिन उन टंकियों का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो सफेद हाथी की तरह खड़ी है वहां पर। शायद समस्या ये ज्यादा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विशेषज्ञ जी बैठे हुए, आप मुझे बताइए, पहले 100 फीट पे पानी आ जाता था, अभी 1000 फीट पे क्यों आ रहा है अगर पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो? जी बताइए सुधींद्र जी, वाटर लेवल क्यों चला गया? सुधींद्र जी चेन्नई बताना चाहते हैं, चेन्नई में 2000 फीट नीचे सवाल पूछा सुन लीजिए सर, एक मिनट पानी की व्यवस्था है जमीन में, इंदौर आइए, इंदौर में एक जगह है धनवंतरी नगर, राजेंद्र नगर के पास में कैट प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र से हार्डली 2 किलोमीटर दूर, वहां पर आज भी 30 फीट के गहराई पर पानी है। तो ये भूजल स्तर नीचे चला गया, भूजल स्तर नीचे चला गया ये बहाना है। असल में क्या है, ये गांव में जिस गांव में पीएचई के हैंडपंप जवाब दे चुके हैं, उसी गांव में उससे आधा किलोमीटर दूर किसी खेत में ट्यूबवेल है, क्यों नहीं उसके आधार पे कोई योजना बनाई जाती? क्यों नहीं हम उसका अन्वेषण कर लेते हैं? क्यों नहीं हम मल्टी विलेज स्कीम्स की तरफ जाते हैं? आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं दामोरे साहब, मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्रों में एक गाँव से सूखी निकल रही है, सूखे निकलते हैं क्योंकि हम सही जगह, क्योंकि और अगर क्योंकि हम सही जगह के भूजल स्तर अगर नीचे जा रहा है तो बताइए गर्मी में ही प्रॉब्लम क्यों आती है? भूजल स्तर नीचे नहीं जा रहा है राम धांगोरे जी, हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में मात्र 26 विकास खंड ऐसे हैं जहां पे कि पानी का दोहन रिचार्ज से ज्यादा है, जिसको हम अति दोहित क्षेत्र बोलते हैं। 312 में से 240 ब्लॉक, हमारे भारत सरकार की रिपोर्ट है 2020 की, 312 में से 240 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि सेफ हैं। सेफ का मतलब वहां पर पानी का दोहन रिचार्ज से 70% से भी कम है, मतलब जो वार्षिक रिचार्ज है उससे 70% से कम है। अब ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो इस कारण है, मैंने पहले ही बात की थी कि हैंडपंप हमारे जो लगे हुए पुराने हैं उनमें रिचार्ज नहीं होता, कर भी नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हम नए स्रोत विकसित कर सकते हैं? आपने बोला कि 20 पाइप डालते हैं, 20 पाइप को हम डीप वेल हैंडपंप बोलते हैं। डीप वेल हैंडपंप क्या है, जिसमें ऊपर एक वेट होता है जिसकी वजह से ग्रामीण 200 फीट नीचे से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन सर आपने सुना होगा सोलर पंप के बारे में भी, मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं सोलर पंप के ऊपर निवेश करता है? एक सोलर पंप ऐसा भी जिसको हम ड्यूअल पंप बोलते हैं, ड्यूअल पंप हम लोगों ने आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र में लगाया है, ड्यूअल पंप हमने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगाए हैं, उनको प्रचलित करना बहुत जरूरी है। ड्यूअल पंप वो होता है जिसमें जब तक जरूरत हो आप हैंडपंप से पानी लगा ले, और जब आपको हैंडपंप से पानी न लेना हो तो सोलर पैनल उसमें लगे हुए हैं और उसको यूज करके आप पानी निकाल सकते हैं, उसको हम ड्यूअल पंप बोलते हैं। वो सारी योजनाएं भारत सरकार की है, भारत सरकार उसको सस्टेनेबिलिटी फंड में उस पर जवाब दे दीजिए सर, राम दांगोरी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम क्या हो रहा है? भारत सरकार 100% पैसा भारत सरकार देने को तैयार है उसके लिए। जी
सोलर पंप के लिए मध्य प्रदेश सरकार आज से 7 साल पहले किसानों के लिए योजना निकाल चुकी है और किसानों को ये पाइप और सोलर सिस्टम पूरा पंपिंग के माध्यम से सिंचाई करने के लिए बांट चुके हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि वाटर लेवल यहाँ का स्थिर बना हुआ है, हमारा पंधाना खुद सूखाग्रस्त कलेक्टर ने अभी जस्ट 1 महीने पहले सूखा घोषित करा है। मेरा तो एक सवाल है इनसे, जैसे ये सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि गर्मी में ही एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उस हेडपंप में बारिश के बाद कैसे पानी आ जाता है अगर वाटर लेवल डाउन हो रहा है। तो मैं जो मेजर प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि वाटर लेवल डाउन हो रहा है, हमको इसे रिचार्ज करने की जरूरत है। जिस पॉइंट पर आप जाना चाह रहे हैं उसी पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है। मैं सरकार को खटगरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये वार्षिक चक्र है। आप देखेंगे पंधाना में भी जब बारिश के बाद बोरवेल चालू हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे पास वो पानी स्टोर करने की जगह तो है रॉक्स में। फिर पानी क्यों खत्म हो जाता है, इसलिए खत्म हो जाता है, वाटर लेवल नीचे जाने से नहीं खत्म होता है, वो अति दोहन से खत्म होता है। तो हमको गांव का बजट बनाना पड़ेगा, हमको गांव में ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा कि हम साल भर में कितना पानी निकाल सकते हैं। पंधाना से धार ज्यादा दूर नहीं है, धार जिले में एक जगह ऐसी है जहां फरवरी तक, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मध्य प्रदेश में एक जगह ऐसी है धार जिले में और काफी बड़े क्षेत्रों में 5-6 गांव हैं, उनमें 30 हॉर्स पावर के पंप चलते हैं। आप तो समझते हैं सर 30 हॉर्स पावर का पंप कितना पानी देता है, 30 हॉर्स पावर के पंप फरवरी तक चलते हैं लेकिन मार्च में वो ड्राई हो जाते हैं। तो उनको यही समझाने की जरूरत है कि आप साल भर में जितना पानी निकालते हैं उतना प्रति माह निकाला करें और उसका बजट बनाएं, एक वार्षिक बजट की जरूरत है। भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पेयजल सुरक्षा प्रोजेक्ट, उसके बारे में पढ़िए सर, विधायक महोदय उसके बारे में पढ़िए और उसको लागू करवाइए अपने क्षेत्र में, आपको बहुत फायदा होगा, लोग दुआएं देंगे। ठीक रवि सक्सेना जी, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन सा? मैं आ रहा हूँ रवि दांगोरी जी और मेहमान है, उनका भी एक एक रिएक्शन ले लेते। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से अकर्मण्य और नकारा सरकार है, ये काम करने में विश्वास नहीं रखती है, ये केवल मुंह चलाने में विश्वास रखती है। नल जल योजना के रूप में करोड़ों अरबों रुपया मध्य प्रदेश को मिला है, आज की क्या हालत है आप सब जानते हैं। अधिकांश जगह पर नल जल योजना जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, ये पानी जो है पहुंचा नहीं सके हैं, टंकियां बना नहीं सके हैं और गांव गांव में जो पानी पहुंचाने की जो योजना केंद्र सरकार की थी जिसमें कि इनको करोड़ों रुपए दिए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और अब जब भीषण जल संकट आया है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछता हूं तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि इस मध्य प्रदेश में 18 साल शिवराज सरकार होने के बाद भी इतना भीषण जल संकट क्यों है, क्यों लोग जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या ऐसी नकारा और अकर्मण्य सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है जो जल नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, पानी नहीं दे सकती, जयंत वर्मा जी सारी स्थितियां सामने हैं फिलहाल हमारे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर वाकई काम नहीं किया जा रहा और जैसा कि यहाँ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो मेन समस्या है शायद उस तरफ कोई देख ही नहीं रहा? देखिए लोकेन जी, जो जल की जो समस्या है ये तो हर साल हम देख रहे हैं कि है और इसका निदान एक दिन में नहीं होने वाला है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो सर्वे है उनका रिपोर्ट है कि हर साल नीचे जा रहा है, मतलब कि जो रिचार्ज होता है पानी वो रिचार्ज होता है जंगलों से, पेड़ों से, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और जंगल विभाग जो है वो लगाता है सागौन, सागौन गर्मी में एकदम सूख जाते हैं, वहाँ पे पीपल है, बरगद है, इस प्रकार के झाड़ लगाएं जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सब तो कर नहीं रहे हैं वो सारा का सारा। और दूसरा ये है कि जो जैसे राजेंद्र सिंह है राजस्थान से, अलवर से हैं वो, और उनने पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे रिचार्ज किया जाए, इसका बहुत अधिक काम किया हुआ है। तो
ये वो जो राजेंद्र सिंह जैसे लोगों को लाएं और उनकी सलाह से काम करें, क्योंकि हमारे जो आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो तो पानी के एक्सपर्ट हैं नहीं है, तो जो एक्सपर्ट हैं उनको लाया जाए और ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जाए। और जैसे जबलपुर का आप देख लीजिए कि यहाँ पे 52 तालाब थे गोंडवाना काल के, उनको मास्टर प्लान में पूर दिया गया, तो ग्राउंड वाटर कहाँ से रिचार्ज होगा। और अब तो ये हो गया है कि वो सारा का सारा पानी ले जा रहे हैं JNNURM वगैरह, वो जो है वो सीवर लाइन यहाँ बन रही है, तो जो अभी यहाँ पे 30 फुट पे पानी होता था, कुओं में पानी आता था, सारे कुएं सूख गए हैं, हैंड पाइप सूख गए हैं, और अब सारा का सारा डिपेंड कर रहा है आदमी वो जो नगर निगम की सप्लाई पे। तो मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए और इसमें एक्सपर्ट जो हैं उनसे बात करनी चाहिए और उनसे ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जाए इसको देखा जाए। और खासकर जैसे अब रीवा है, सतना है, वहां पे तो यहाँ से नर्मदा का पानी एक सोन नदी से जोड़ के इस प्रकार से एक योजना थी, वो भी पूरी नहीं हुई है, कई साल से वो राइट बैंक पैनल पूरी नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि जो सरकार को एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ इस पे काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, और इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इस काम में जो भ्रष्टाचार होता है, ये हमारा जो जो ये डिपार्टमेंट है ये सारे के सारे इसमें गड़बड़ी करते हैं, ट्यूबवेल इतने खोदे गए वो सूख गए, फिर उसके बाद उनकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, सैकड़ों जगह गांव में देखें तो सूखे मिलते हैं, तो ये सबका मेंटेनेंस का भी ये काम है जैसा कि होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि PHE डिपार्टमेंट का जो काम है वो नहीं कर रहे हैं वो लोग, और इसमें अकाउंटेबिलिटी तो हमारे यहाँ सरकार में है ही नहीं, कोई कितना ही कुछ कर ले अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इससे ये है कि अब जब समस्या आती है तो हाहाकार मचता है और कुछ नहीं होता। राम दांगोरी जी, सर कोई प्लान है, अब आगे विजन है, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि हर घर तक हम नल से जल पहुंचाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है इस काम में, कम से कम टैंकर से तो पानी पहुंच नहीं रहा भी है ठीक से। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, केंद्र सरकार का भी उसमें सहयोग है कि गाँव में हमने टंकियां बनाई है और घरों तक कनेक्शन तो दे दिया है। जो वास्तविक बात है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं पहले भी कहा था विशेषज्ञ महोदय जी से, इस विषय पर भी चर्चा हुई कि हमको वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे कि जिससे जमीन का वाटर लेवल बढ़े और उस टंकी को भरा जा सके और उससे हम घर घर तक पानी की सप्लाई दे सके। निश्चित रूप से पानी का दोहन हो रहा है, आज भी पहले जितना पानी यूज करता था उससे दुगना तिगुना खर्च कर रहा है, वो कूलर में भी यूज करेगा, वो गाड़ी भी साफ करेगा, वो घर भी साफ करेगा, बाहर मैदान में भी फेंकेगा। ड्रिप के माध्यम से जो सिंचाई हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम पहले डायरेक्ट नाली बना करके पानी छोड़ते थे, उसमें पानी भरना कहते हैं जिसको, हमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करनी होगी और सोखते गड्ढे खोद करके कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग बारिश के पानी को वहां जमीन में पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं में सब कुछ है ये सारी चीजें, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। हमने घरों के लिए भी कहा था कि हमें पानी को बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी, लेकिन कितने घरों में ये चीजें हो रही है। सरकारें जो है तालाब खुदवा रही है, अमृत सरोवर खुदवा रही है, लेकिन जनता को भी इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ये सीधी सीधी बात है कि हर व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम पानी का दोहन कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचाएंगे तो हमारे यहाँ का वाटर लेवल स्वतः बढ़ जाएगा। जैसे झाबुआ में महेश शर्मा जी आंदोलन चलाते हैं सूखता गड्ढों का, 2x2 फीट के गड्ढे, वहां के जनजाति समुदाय के लोग वहां पर हर साल गर्मी के मौसम में गड्ढे खोद करके छोड़ देते हैं और बारिश का पानी जब आता है तो उन गड्ढों के माध्यम से जमीन में उतर जाता है, तो वहां का वाटर लेवल पिछले 5 सालों में बढ़ करके ऊपर तक आ गया। ऐसे ही जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनमें हमको ये प्रयास जनता के सहयोग के माध्यम से, जनभागीदारी के माध्यम से करने होंगे ताकि हम भी अपने क्षेत्रों में जमीन का वाटर लेवल बढ़ा सके। ठीक, मैं आखिरी रिएक्शन सर आपका लूंगा सुधीर जी, और अगर हम देखें सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ें, देखिए सिस्टम तो जो है वो है, और अभी जो पाइपलाइन के लिए समय दिया गया था भोपाल में उससे कहीं ज़्यादा समय लगा, टैंकर से भी पानी नहीं पहुंच पाया, मुख्यमंत्री भी भ्रमण पर निकले तो शिकायत उनके सामने भी आ गई, लेकिन अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें और खासकर अगर हमें अपना भूजल भी रिचार्ज करना है तो उसके लिए क्या कदम उठाएं, आम लोगों से बड़ी अपेक्षाएं हैं तो वो क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर।
सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो पहले तो एक सरकार का पॉजिटिव काम मैं सामने रख दूं। सरकार का पॉजिटिव काम यह है कि इंदौर से हमको बहुत सीखने की जरूरत है। मैं खुद इंदौर में रहता हूं और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई अभी बीच में कि इंदौर में अलग अलग टाउनशिप्स में आपको भी जान के हैरत होगी, इंदौर पहला शहर बना है भारत में ये काम करने वाला कि हम ट्रीटेड वाटर की, उपचारित जल की पाइपलाइन टाउनशिप में दे रहे हैं जिससे वो अपने बगीचों को पानी दे सकते हैं। मतलब फ्रेश वाटर यूज नहीं होगा गार्डनिंग में कुछ टाउनशिप्स में, और ज्यादातर टाउनशिप में अब रिसाइकल्ड वाटर का उपयोग हो रहा है। इंदौर के काफी सारे अस्पताल हैं जो बड़े अस्पताल हैं जिनके पास दो दो चार चार एकड़ के बगीचे हैं, वे अपना पानी रिसाइकल करके, ट्रीट करके, रिसाइकल करके और बगीचे में डाल रहे हैं। तो फ्रेश वाटर पे जो स्ट्रेस है उसको हमको कम करना पड़ेगा। महेश शर्मा जी का उद्घाटन, महेश शर्मा जी का उदाहरण विधायक महोदय जी ने बिल्कुल सही दिया। महेश शर्मा जी आज के आधुनिक गांधी है, हमारे पानी के गांधी है। राजेंद्र सिंह भाई साहब का उदाहरण भी ठीक था, लेकिन राजेंद्र सिंह भाई साहब ने काम नदियों पर किया है, भूजल पे उनका काम ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे हमको ये सीखने की जरूरत है कि डिमांड साइड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। वे आज भी केवल 18 लोटे पानी से नहाते हैं, राजेंद्र सिंह भाई साहब मेरे अच्छे मित्र हैं। तो हमको ये समझना होगा कि डिमांड साइड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। डिमांड साइड पे हमको काम अपना उपयोग कम करना पड़ेगा और फ्रेश वाटर पे हमारी जिम्मेदारी हमको कम डालनी होगी और हमको ट्रीटेड वाटर पे ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। सोखता गड्ढा, और एक और चीज मैं आपको बता दूं सभी मेहमानों को कि पूरे भारत में केवल 24% हिस्सा ऐसा है, और ये ऑफिशियल टेक्निकल रिकॉर्ड है, केवल 24% हिस्सा ऐसा है जहां पे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज फिजिबल है। पंधारा में बिल्कुल फिजिबल है। तो ये ध्यान रखने के लिए और जानकारी देने के लिए आप सभी मेहमानों का भी शुक्रिया। समय इतना ही, इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन ये सब हमको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी पानी को लेकर, पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां का संकट आपके सामने है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।